कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं चैप 11 स्टैंडर्ड चैप्टर 1 सेट के कुछ डेफिनेशंस। तो देखते हैं आज हम कौन से डेफिनेशन करने वाले हैं। तो आज हम डेफिनेशन करने वाले हैं जो वेन डायग्राम है हमारा उसके ऊपर से जो जो डेफिनेशन आते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा है डिसजॉइंट सेट, चौथा है डिफरेंस ऑफ द सेट एंड पांचवा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलिए देखते हैं सबसे पहला डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन हमको दिया गया है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दी है, वो कैसे लिखी हुई है, वो कुछ इस तरह से है। लेट ए एंड बी एनी टू सेट, यानी कि दो सेट हमको दिए गए हैं ए एंड बी। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंजिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी कि यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या किसे बोलते हैं कि जिस सेट में ए के सारे एलिमेंट हो एंड बी के भी सारे एलिमेंट। द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन वंस, यानी कि जो ए एंड बी में कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार हमको लिखने का है। उसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं, द सिंबॉलिकली यूनियन को लिखते हैं इस यू से, इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। सिंबॉलिकली वी कैन राइट ए यूनियन बी, इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी एंड यूजुअली इस रीडर्स ए यूनियन बी। इसको अब हम वेन डायग्राम में देखते हैं। तो वेन डायग्राम में वो कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें हमको दिया गया है ए सेट एंड बी सेट। ए यूनियन बी, ये जो पूरा ब्लू पार्ट है पूरा का पूरा, इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी। अब देखते हैं एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है ए इज इक्वल टू सेट है 1 2 3 एंड बी हमको दिया गया है 3 4 5। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, डेफिनेशन में क्या दिया हुआ था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब कि 1 2 3 ए के सारे एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी में एंड बी के भी सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 3। तो 3 तो एक बार लिख लिया तो एक ही बार लिखना था। अब बी के सारे एलिमेंट, तो बाकी बी के कितने बचे, 2 4 एंड 5। तो ये मिल गया हमको ए यूनियन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 एंड बी के बाकी के 2 4 एंड 5। यानी कि आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट को लिखना है लेकिन जो रिपीट होते हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो इसे बोलेंगे हम ए यूनियन बी। अब देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। जो यूनियन था उससे उल्टा सेट किसे बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट को। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी, यानी कि दो सेट हमको दिए गए हैं ए एंड बी, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन बोथ ए एंड बी। यानी कि ए एंड बी के ऐसे एलिमेंट जो ए एंड बी में दोनों में क्या हो, कॉमन हो, सिर्फ उसी का सेट। तो उसे हम डिनोट करते हैं उल्टा यू, इज यूज्ड टू डिनोट अ इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। सिंबॉलिकली वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि एक्स जो एलिमेंट हो
वो किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए एंड बी दोनों में होना चाहिए। उसे हम वेन डायग्राम से कुछ इस तरह से समझते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा यू, उसमें दो एलिमेंट है ए एंड बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ दोनों का क्या आएगा, कॉमन पार्ट। तो दोनों में कॉमन यही है पार्ट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमको दिया गया है एग्जाम्पल, ए एक सेट दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, दूसरा सेट दिया हुआ है बी 3, 4 एंड 5। हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। हमको डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, सिर्फ उसी का सेट। तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ एक ही है 3, यानी कि यहाँ पे आएगा सिर्फ 3। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिल गया, 3। तो इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, जिसमें दो सेट से सिर्फ कॉमन एलिमेंट हमको लेने। अब उसके आगे आता है डिसजॉइंट ऑफ द सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिसजॉइंट सेट की, वो कुछ इस तरह से होती है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, ए एंड बी दो सेट ऐसे लिए हुए हैं जिस दोनों सेट में ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलता है, 5। इसका मतलब ये है कि सेट ए एंड सेट बी आपको ऐसे दिए हुए हैं जिन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। यानी कि ए एंड बी में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। उसे डायग्राम से समझते हैं, ये है हमारा यू, ए सेट बी सेट कुछ में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों अलग ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ए 2, 4, 6 एंड 8 एंड बी दिया हुआ है 1, 3, 5 एंड 7। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन दोनों क्या क्या आएगा, 5। तो इस सेट को हम बोलते हैं, ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। उसके आगे आता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जैसे कि एडिशन में है 1 + 2 = 2 + 1, दोनों क्या होता है सेम, उसी तरह से इसके कुछ ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे हमको दिए गए हैं। यहाँ पे ऑपरेशंस यूनियन के लिए भी है, इंटरसेक्शन के लिए भी है। सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया किसी सेट का, तो उसका अगर हम बी यूनियन ए भी फाइंड आउट करें तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करो तो दोनों भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। वो क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का अगर हम यूनियन सी के साथ करें तो वो सेम होगा, सबसे पहले बी एंड सी का यूनियन करें फिर उसका यूनियन ए के साथ करें, उसके साथ दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। उसी तरह से इंटरसेक्शन, सबसे पहले अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी किया एंड उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सी के साथ किया, वो इज इक्वल टू होगा अगर हम बी एंड सी का पहले इंटरसेक्शन करें फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो वो दोनों भी सेम होंगे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी है 0, यानी कि 1 + 0 करो तो आंसर आपको 1 ही मिलता है। उसी तरह से यूनियन के लिए आइडेंटिटी क्या है हमारी, 5, यानी कि आप किसी भी सेट में 5 को के साथ उसका यूनियन करो तो आपको वापस वही सेट मिलेगा। एंड यूनियन का सेट
आप किसी भी ए सेट के साथ करो तो आपको वापस कौन सा सेट मिलेगा? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अब आती है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन में क्या है कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन आप फाइव के साथ करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा, क्योंकि उन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? फाइव। एंड यूनियन यूनिवर्सल सेट का आप इंटरसेक्शन करो ए के साथ तो वो क्या मिलेगा? वापस ए मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यानी ए के सारे एलिमेंट किसमें होते हैं? यूनिवर्सल सेट में। दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। फिर आता है आइडेंटिटी लॉ। वो क्या कहता है कि अगर ए यूनियन ए करोगे तो मिलेगा ए, एंड ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो मिलेगा ए। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो इस तरह से है, अगर हमने ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी दिया हुआ है तो सबसे पहले, जैसे कि ऐसा होता है कि हमको दिया जाए कि ए क्रॉस बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। उसी तरह से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, बीच में साइन आएगी यूनियन की, एंड ए इंटरसेक्शन सी, तो दोनों सेम ही है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है। तो क्या है कि आप जब भी कोई भी सम सॉल्व करेंगे तो इसको यूज करके वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे डेफिनेशन। उसके बाद डेफिनेशन दी हुई है हमको डिफरेंस ऑफ सेट की। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। यानी कि इसमें हमको डिफरेंस ऑफ सेट मतलब क्या है, दो सेट दिए गए हैं ए एंड बी, तो अगर हम को फाइंड आउट करना है ए माइनस बी तो हमको क्या करना है? जितने भी एलिमेंट ए सेट में है बी के जो कॉमन है उसको क्या करना है? ए में से हटा देना है, तो उसे हम बोलेंगे ए माइनस बी। उसे हम इस तरह से भी बोलते हैं ए माइनस बी, एंड लिखते हैं ए माइनस बी। ये सेट है हमारा, इसको डायग्राम से समझते हैं, यूनिवर्सल सेट। दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी। अभी हमको ए माइनस बी करना है, तो बी के सारा पार्ट हमने निकाल दिया ए में से, तो क्या बचा? सिर्फ इतना पार्ट, तो इसे हम बोलते हैं ए माइनस बी। यानी कि हमको क्या करना है कि ए में जितने भी एलिमेंट बी के कॉमन हो उन सब को निकाल देना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेट ए हमको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड बी में दिया हुआ है 2, 4, 6 एंड 8। हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, यानी कि हमको क्या करना है कि ए में जितने भी बी के एलिमेंट है उसको माइनस कर देना है। चलिए 1 नहीं है तो 1 वैसे का वैसा है, 2 यहाँ पे है तो 2 निकल जाएगा, उसके बाद आएगा 3, 4 है तो 4 बी में भी है तो वो निकल जाएगा, फिर आएगा 5, 5 बी में नहीं है, फिर आएगा 6, 6 बी में है तो वो भी निकल जाएगा। तो ये मिल गया हमको ए माइनस बी। तो हमने क्या किया कि 2, 4, 6 जो बी में था उसको क्या कर दिया? ए में से हटा दिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं उसका उल्टा, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए में क्या करना है? बी में से ऐसे एलिमेंट को माइनस करना है जो ए में भी हो। तो ए में देखो कौन से है, 2, 4, 6, तो यहां से 2, 4, 6 हमको हटा देना है, तो सिर्फ क्या आएगा? 8। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी माइनस ए का 8।
हमने क्या किया कि ए के सारे एलिमेंट जो कॉमन थे वो बी में से हटा दिए, तो इसे बोलते हैं बी माइनस ए, एंड इसे डिनोट करते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट। उसके बाद डेफिनेशन आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक्चुअली होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक सेट हमको यूनिवर्सल दिया हुआ है, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, यानी कि उस यूनिवर्सल सेट में एक सेट बनाया गया है ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि हमको क्या करना है, यू में से जो ए के एलिमेंट है वो निकाल देने हैं, सिर्फ इतना ही करना है। उसको वेन डायग्राम से सिंबॉलिकली सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली वी कैन राइट ए डैश, उसे लिखते हैं हम ए डैश से डिनोट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और उसे ऑब्वियसली हम इस तरह से लिख सकते हैं डिफरेंस में ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यू एलिमेंट यू सेट में से ए के सारे एलिमेंट हमको माइनस कर देने हैं, एंड वेन डायग्राम से कुछ इस तरह से होगा, यू हमको दिया गया है, ये छोटा सा ए है, ए में से सबको माइनस कर दिया, तो ये बाकी का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा ए डैश हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू हमको दिया गया है 1 to 10, एंड ए सेट दिया हुआ है 1 to 10 के ऑड नंबर्स, हमको ये फाइंड आउट करना है ए डैश। ए डैश को हम क्या लिखते हैं, यू माइनस से। चलिए यू क्या है हमारा, ये उसमें से 1, 3, 5, 7, 9 माइनस कर दो, 1 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, बचेगा क्या, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये क्या हो गया हमारा ए डैश। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की जो आपको याद रखनी है, जो आपको एग्जाम्पल में काम आएगी। कॉम्प्लीमेंट्स लॉ मतलब कि अगर हम ए का यूनियन ए डैश के साथ करें तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश करे तो हमको पता है कि एक ए डैश मतलब क्या होता है, यू माइनस ए मतलब ए के तो सारे निकल गए, तो दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि मिलेगा हमको सिर्फ फाइव। दूसरे कुछ इस तरह से हैं डी मॉर्वर्स लॉ, उसमें क्या है कि अगर ए यूनियन बी का डैश करे तो वो हमको मिलेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड दूसरा है उल्टा इसका, ए इंटरसेक्शन बी का डैश करे तो मिलेगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये इसको हम लिखते हैं डी मॉर्वर्स लॉ से, ये बहुत ही काम की चीज है आपके एग्जाम्पल्स एंड जो आप प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करेंगे सम उसमें बहुत ही ये वाला दोनों काम आने वाले। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कि ए डैश का भी डैश करे तो वापस क्या मिल जाएगा, हमको ए मिल जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। उसके बाद हमको दिया गया है कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी कि कोई फाइव सेट है उसका डैश करें तो हमको यू मिलेगा, एंड यू का डैश करें तो हमको क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। तो ये थी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हमने आज जो इस वीडियो में किया वो यूज कहाँ होता है, वो मेजरली आपकी एक्सरसाइज में आपको सम सॉल्व करने के लिए यूज होगा, लेकिन ये वाला टॉपिक मेनली यूज होता है आपकी प्रोबेबिलिटी में, एंड JEE में कुछ क्वेश्चन आएंगे सेट में से जहां पे ये जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है अगर वो आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे एंड इजीली उसका आंसर दे पाओगे।